स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? ए भर्तृहरि महताब, बी रामनाथ कोविंद, सी राजनाथ सिंह, डी ओम बिरला। आंसर ए भर्तृहरि महताब। एक्सप्लेनेशन: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव तक महताब अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अगला प्रश्न: ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी रूस, सी भारत, डी चीन। आंसर बी रूस। एक्सप्लेनेशन: ब्रिक्स खेलों का आयोजन रूस के कजान में 12 जून से किया जा रहा है। इन खेलों में भारतीय महिला और पुरुष टेनिस टीम ने कांस्य पदक जीता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें आर्थिक संघ ब्रिक्स से जुड़े देश भाग लेते हैं। अगला प्रश्न: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी, ये किस राज्य में बनाया जाएगा? ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। आंसर सी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन: पीएम मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में 76,220 करोड़ रुपए की वधावन बंदरगाह वाधवन पोर्ट परियोजना को मंजूरी दे दी। ये भारत के सबसे बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट में से एक है। यह आगामी भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर IMEC और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर INSTC के लिए प्रवेश द्वार बंदरगाह के रूप में कार्य कर सकता है। वधावन बंदरगाह एक ग्रीनफील्ड पोर्ट होगा। अगला प्रश्न: T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ए आदिल रशीद, बी अक्षर पटेल, सी एडम जंपा, डी संदीप लामिछाने। आंसर डी संदीप लामिछाने। एक्सप्लेनेशन: नेपाल के स्पिनर संदीप लामिछाने T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। संदीप ने 54 T20 इंटरनेशनल मैच में अपने 100 विकेट पूरे किए। उन्होंने ICC T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एक मैच में यह उपलब्धि हासिल की। सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशिद खान के नाम है, जिन्होंने 53 मैच में अपने 100 विकेट पूरे किए थे। अगला प्रश्न: विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ही माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए SBI, बी PNB, सी येस बैंक, डी HDFC बैंक। आंसर ए SBI। एक्सप्लेनेशन: हाल ही में विदेश मंत्रालय और SBI ने ई माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को अपने भुगतान गेटवे SBPay के माध्यम से बैंक की एक अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ई माइग्रेट पोर्टल को साल 2014 में लॉन्च किया गया था। इस इंटीग्रेशन का मकसद भारतीय प्रवासी श्रमिकों, भर्ती एजेंटों और पोर्टल के अन्य यूजर्स के लिए एक अतिरिक्त डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रदान करना है।